हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन ही जमकर हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की हुई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने करीब 16 मिनट तक अभिभाषण पढ़ा। इसी बीच विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री खड़े हुए और अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताया और महंगाई के खिलाफ सदन में ही कांग्रेस के सदस्य शोर शराबा करने लगे। हंगामे के दौरान भी राज्यपाल अभिभाषण पढ़ते रहे और बाद में अभिभाषण को पढ़ा हुआ मानकर सदन के पटल पर रख दिया गया। बाद में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने सदन को सोमवार तक स्थगित कर दिया। वहीं जैसे ही राज्यपाल गाड़ी में जाने लगे तो विपक्ष के विधायकों ने पहले राज्यपाल का घेराव किया, उसके बाद गाड़ी का घेराव कर दिया और गाड़ी को नहीं जाने दिया। इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री भी पहुंचे और दोनों में धक्का मुक्की हुई। विपक्ष राज्यपाल के पूरे अभिभाषण पढ़ने की मांग कर रहा था। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है और जो भी बातें अभिभाषण में कही गई हैं उसमें कुछ भी नहीं हुआ है और राज्यपाल आधे में ही अपना भाषण छोड़कर भाग रहे थे। उन्होंने कहा कि महंगाई आसमान छू रही है, इस पर सरकार या राज्यपाल के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसको लेकर ही विपक्ष सदन में अपनी आवाज उठा रहा था, लेकिन राज्यपाल सुनने को तैयार नहीं थे और ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्यपाल को अपना अभिभाषण बीच में छोड़ना पड़ा हो। उन्होंने कहा कि विपक्ष के विधायकों के साथ मंत्रियों और बीजेपी के विधायकों के साथ ही पुलिस के जवानों ने धक्का मुक्की की है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गवर्नर भाग गए, बिना पढ़े भाग गए, दो पेज पढ़ के भागे। ये पहले दफा हिमाचल प्रदेश की असेंबली में हुआ कि गवर्नर बिना पढ़े भागे। हम कह रहे हैं कि भाई इसको पढ़ो जिसपे चर्चा होनी है, लेकिन गवर्नर नहीं पढ़ सके। सरकार पहले सत्र से भागी, अब इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने से भागी, क्योंकि ये झूठ का पुलिंदा है। सर, आपने ये कचरा बताया अभिभाषण को, कचरा क्यों लगता है? ये कचरा है किसान के विरोध, महंगाई, गैस, पेट्रोल, डीजल, बेरोजगारी, बेरोजगारी बढ़ती गया, कोरोना में भ्रष्टाचार, बैकडोर एंट्रियां, किसी का जिक्र नहीं है। मुकेश जी, गवर्नर भाग गए, पहली दफा हुआ हिमाचल प्रदेश में। हम क्या कह रहे थे कि गवर्नर इसको पढ़ के जाए। हुआ किसी असेंबली में, किसी पार्लियामेंट में कि गवर्नर ने डॉक्यूमेंट ना पढ़ाओ? ऐसा कभी हुआ है? गवर्नर नहीं पढ़ सका इसलिए इस डॉक्यूमेंट को, इस कचरे को, इसलिए भागा गवर्नर। जो उपलब्धियां गिनाई जा रही, सर उसको कैसे देखते हैं? उपलब्धियां झूठ है, झूठ का पुलिंदा, झूठा पुलिंदा नहीं चलेगा, झूठा पुलिंदा नहीं चलेगा। विधानसभा में पहली बार ऐसी धक्का मुक्की जैसी नौबत आई है, अब अगली रणनीति। हम कहते थे जो इन्होंने सारा साल किया उसको कम से कम महामहिम पढ़ के तो जाए। पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई राज्यपाल में, राज्यपाल 6-7 मिनट में भाग गए। ये कोई तरीका है? असेंबली लगी है 1 साल के बाद, पिछला सेशन नहीं हुआ, ये सेशन शॉर्ट कर दिया और फिर जो इसमें लिखा है सब झूठ है। लेकिन जिन मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा भी नहीं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर विपक्ष ने चर्चा करनी हो तो सतारा बैठ के भी बहुत है, सुबह ही उन्होंने। अरे एक बार मुख्यमंत्री बताएं, गवर्नर से डॉक्यूमेंट क्यों नहीं पढ़ाया? क्यों नहीं पढ़ा गया हिमाचल विधानसभा में ये डॉक्यूमेंट? क्या लगता है सरकार कुछ बातें, झूठ का पुलिंदा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महत्व की बातें तो कहीं हो ही नहीं रही है। पेट्रोल का रेट कहाँ चला गया? डीजल का रेट कहाँ चला गया? गैस का रेट कहाँ चला गया? राशन आज महंगा हुआ है, बेरोजगारी और बेरोजगारी कहाँ चल गई? आउटसोर्स की फर्जी भर्तियाँ की जा रही है। अरे झूठा पुलिंदा क्यों पढ़ना है? अरे भाई पहले दिन ही झूठ बोला जा रहा है। आप ये पढ़ ही नहीं रहे, पढ़ना तो चाहिए। हमने क्या मांग की कि इसको पढ़ो, यहाँ रखो इसको। सर ऐसे माहौल में अब क्या चर्चा हो पाएगी जिन मुद्दों का? लेकिन जो भी भाषण था उसको पूरा नहीं पढ़ा। जो भी अवेलेबल ऑप्शन होंगे विपक्ष के पास उन सब को जो इस्तेमाल किया जाएगा। और जो मैन हैंडलिंग हुई है सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैन हैंडलिंग पुलिस कर्मियों ने की है, विधानसभा उपाध्यक्ष, भाजपा के मंत्रियों ने, भाजपा के मंत्रियों ने, पुलिस ने। पीएलटीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।